तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग वेव ओएस जो नई आई है उसे इंस्टॉल करना, फ्लैश करना सीखेंगे, कैसे हम रियलमी X3 में फ्लैश कर सकते हैं अपनी वेव ओएस को। और ये पहले बता दूं भाई लोग आपको कि इसमें वेव ओएस फ्लैश करने के लिए आपको जो रिक्वायर्ड वर्ज़न चाहिए वो A53 पे होना पड़ेगा। जब आप A53 पे होगे तभी उसके बाद ही आप वेव ओएस फ्लैश कर पाओगे। जैसे मैंने A53 कर लिया है, मैं पहले A49 पे था, A53 पे आ गया हूँ। A53 पे ही आप WebOS को फ्लैश कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रिकवरी पे चलते हैं अपनी। हम बैकग्राउंड से भाई लोग कुछ साउंड आए तो माफ कर देना। रिकवरी मोड पे बूट हो रहा हमारा फोन। ऑरेंज बॉक्स, आप TWRP भी यूज कर सकते हैं। बूट हो गया है हमारा फ़ोन। अब हमको क्या करना है, देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है आपको डिलीट वाला, इस पे जाना है। वाइप वाले ऑप्शन पे रहना आपको, और डेल्विक कैच, डेटा और कैच, ये तीनों आपको डिलीट करने हैं। इंटरनल मत डिलीट करना भाई लोग, नहीं तो सब उड़ जाएगा। आपको ये तीन चीज़ें सिलेक्ट करके स्वाइप कर देना है, और कुछ मत करना भाई लोग। बस जो तीन चीज़ें मैंने सेलेक्ट करी हैं वही सेलेक्ट करके स्वाइप करना, आपका सब कैच और डेटा उड़ जाएगा इसमें से जो पिछली रोम का था। अब आपको बैक जाना है फोल्डर पे अपने, और जहाँ आपने वेवो एस अपनी सेव सेव कर रखी होगी उस पे जाना है। ये भी देखिए वेवो एस सेलेक्ट करना है, स्वाइप कर देना है। वेवो एस एंड्रॉयड 11 पे बिल्ड है, एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है। फ्लैश होना स्टार्ट हो गई है वेवो एस। भाई लोग बता दूं, अभी तक मैंने जितनी यूज़ करी इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। मतलब रियलमी UI का कोई भी ऐसा वर्ज़न नहीं है जो इसको हरा सके। मतलब भाई लोग, मैंने पोको X3 Pro है उसके साथ तक, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले गेम प्ले करा था मैं, वीडियो अभी बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, गेम प्ले करा था मैं, पोको X3 Pro से भी मतलब ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और इसमें ये एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो वेव ओएस आती है हमारी वो एक और कस्टम कर्नल के साथ आती है, क्विक सिल्वर नाम का, तो उसकी वजह से ये बहुत पावरफुल रोम है अभी तक की। फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसको। देखो भाई लोग, फ्लैश हो गई है। आप अगर आपका डेटा इंक्रिप्टेड है तो आपको रिबूट नहीं करना है। जैसे देखो, मैंने, मेरे को पता नहीं था मेरा डेटा इंक्रिप्टेड है कि नहीं, तो मैंने रिबूट कर दिया, तो वो मेरे से गलती हो गई थी। पर डरने की कोई बात नहीं है, आपकी वेवोएस का बूट एनिमेशन आएगा और दोबारा ये रिकवरी पे चली जाएगी। तो जिनका डेटा इंक्रिप्टेड है उनको करना क्या है, उनको सीधा रिकवरी पे जाना है अपनी, और फॉर्मेट डेटा कर देना है, रिबूट नहीं करना उनको उस टाइम पे। जैसे मैंने गलती कर दी थी, मेरे को लगा मेरा डेटा इंक्रिप्टेड नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो आपको डेटा फॉर्मेट कर देना है, फॉर्मेट डेटा करना है आपको। अगर आप Realme UI से आ रहे हैं तो आपको फॉर्मेट डेटा करना ही होगा। देखो रिकवरी खुल गई थी ये मेरी दोबारा, अब फॉर्मेट डेटा करूँगा मैं।
फॉर्मेट डेटा पे जाऊंगा, यस कर दूंगा। आपको फॉर्मेट डेटा करना है भाई लोग, रिबूट मत कर देना। उसके बाद जैसे ही रोम फ्लैश होती है आप बैक करना, फॉर्मेट डेटा कर देना। ये देखो फॉर्मेट डेटा हो गया है, अब आप रिबूट कर सकते हैं। और भाई लोग ये जो रोम है आप इसमें आपको वीपी मेटा फ्लैश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट करते टाइम आप डायरेक्टली रूट कर सकते हैं, सिर्फ मैजिक्स की जिप आपको फ्लैश करनी होगी रिकवरी के थ्रू, आपका रूट हो जाएगा। इसमें वीपी मेटा की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कस्टम रोम है। काफ़ी स्मूथ यूआई लगा मेरे को भाई लोग इसका। और इसमें आपको गेमिंग मोड जो मिलता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस देता है भाई लोग। इसका जो गेमिंग मोड जब आप ऑन करोगे तो परफॉर्मेंस भाई बीस्ट लेवल है। आपको मॉड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है इसमें, आप मॉड्यूल्स मत लगाना क्योंकि वो जो इसका कर्नल है उसको ओवरलैप करेगी। तो ये जो डेवलपर्स हैं हमारे, उन्होंने बोला ऐसा कि इस पे मॉड्यूल परफॉर्मेंस जो मॉड्यूल हैं जैसे आप लोग ये लगाते हो ना टर्बो बूस्ट और ये गेमर्स मॉड्यूल वाली, ये सब मत यूज़ करना इस पे क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा है, उनकी सबकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप ये सब यूज़ कर सकते हो, जैसे वाइपर यूज़ कर सकते हो आप इसमें, या फिर अपनी यूट्यूब वेंस यूज़ कर सकते हो आप, ये सारी मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो। पर परफॉर्मेंस यूज़ मत करना, परफॉर्मेंस मॉड्यूल्स जो आती हैं। बूट हो चुका है हमारा डिवाइस सक्सेसफुली। अब मैं आपको थोड़ा अंदर का इसका यूज़र इंटरफेस दिखा देता हूँ, कैसा कैसा दिखता है और क्या क्या फीचर्स है इसमें थोड़े, और कौन सा कर्नल इस पे है वो दिखा देता हूँ आपको सब। एक सेकेंड, ये बस ये हो जाए। ये देखिए कुछ ऐसा यूआई शुरू में आपको दिखेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा, रोम बिल्कुल क्लीन रोम है। गूगल के ऐप्स थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब भी खुद ही करना पड़ेगा। कैमरा इसमें जो मिलता है आपको गूगल कैमरा मिलेगा, जो कि भाई बहुत अच्छा कैमरा है, बहुत बेटर है। और सेटिंग्स में चलते हैं हम लोग, अबाउट फ़ोन में ये देखिए एंड्रॉयड वर्जन 11 है इसका, और कर्नल दिखा देता हूँ मैं एक मिनट। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी भाई लोग। ये देखिए कर्नल इसका जो है क्विक सिल्वर कर्नल मिलता है आपको, जो कि बहुत पावरफुल है भाई लोग। अगर आप लोग को कोई गेमिंग रिव्यू वीडियो चाहिए होगी जैसे बूट कैम्प टेस्ट, तो पबजी या बीजेएमआई कोई से मैं ऐप में भी, तो आप कमेंट कर देना मैं बना दूंगा। इसके ये आइकन्स देखिए आप, इसमें आप आइकन्स भी इसके कस्टमाइज़ कर सकते हो। और इसमें एक ख़ास बात है, आपको इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर मिल जाता है, जो कि बहुत लोग डिमांड करते थे ऑलवेज ऑन के लिए। बस इसकी ये एक थोड़ा वो है कि आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम मिलेगी आपके रियलमी वाई से। हीटिंग इशू मेरे को अभी तक इसमें कुछ देखने को नहीं मिला, मैंने गेमिंग भी करी है इसमें। और इसकी कस्टमाइजेशन ये देखिए आप, सारे आइकन्स जो भी कलर्स हैं इनके वो चेंज कर सकते हैं, इनका लुक चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने वो रखने हैं आपको ऐप्स, देखिए क्लॉक स्टाइल्स देखिए कितने सारे हैं इसमें, बहुत कस्टमाइजेबल रोम है एक। अभी तक की जितनी भी रोम्स आई हैं उनमें से सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस इसकी है। जो डेवलपर्स हैं हमारे, उन लोगों ने इस पे बहुत मेहनत करी है, बहुत टाइम से इसकी टेस्टिंग चल रही थी, तो उन लोगों को तो बहुत बड़ा थैंक यू है ही भाई लोग।
बैटरी भी भाई लोग इसकी एवरेज है, ऐसा कुछ बैटरी खास ड्रेन नहीं होती, जितना रियलमी वाई है उतना ही बैटरी मिलेगी आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा ड्रेन हो रही है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सही है। चलो भाई लोग ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कैसे फ्लैश करनी है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।